अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक डिजिटल स्टॉप वॉच कैसे बना सकते हैं। आप इस डिजिटल स्टॉप वॉच को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे DRD के प्रोजेक्ट में बना के सबमिट करवा सकते हैं। मैंने ये एक्चुअली मैं DRD के प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी, तो मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बना दूँगी कैसे बनानी है आप लोगों ने। तो यार पहले तो देख लो कि ये मैंने कैसे बनाई है, एक बार देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे बनानी है और आपको ये चला के भी दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 0-0 है इसके ऊपर, तो उसको स्टार्ट करने के लिए मैं ये बटन प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्टॉप वॉच है वो चलना स्टार्ट हो गई है। तो ये काउंट कर रही है सेकंड्स को, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और अगर आप अपनी स्टॉप वॉच को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप ये नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपकी स्टॉप वॉच रुक जाएगी। और अगर आप इसको अगेन रिज्यूम करना चाहते हैं तो फिर आप वही वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपकी स्टॉप वॉच रिज्यूम हो जाएगी। तो नीचे वाले बटन से आप पॉज भी कर सकते हैं और इसी से आप रिज्यूम भी कर सकते हैं अपनी स्टॉप वॉच को। और जो ऊपर वाला बटन लगा हुआ है, इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो जो आपकी स्टॉप वॉच है वो रीसेट हो जाएगी। मीन कि अगर आप काउंटिंग करते करते आपकी 30 सेकेंड्स पर चली गई है, यहाँ पर आगे चली गई है, और आप चाहते हैं कि ये अगेन से 0-0 पे आ जाए स्टॉप वॉच, तो आप ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे और आपकी जो स्टॉप वॉच है वो रीसेट हो जाएगी। ऊपर वाला जो बटन है वो रीसेट के लिए, और जो नीचे वाला बटन है वो हमारा है स्टार्ट और पॉज के लिए, ठीक है। और इसके अंदर मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया है। यार एक तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने यूज़ किया है वो वोल्टेज रेगुलेटर है 7805। उसके अलावा एक 555 IC है, दो कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर्स और इसके अलावा 4 रेजिस्टर्स हैं। और जो ये दो बड़े IC लगे हुए हैं ये हमारे हैं 4026। मैं सर्किट डायग्राम दिखा दूँ तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, साथ नाम भी लिखे होंगे। और 2 7 सेगमेंट कैथोड यूज़ किए हैं मैंने फ्रेंड्स, ठीक है। और 2 पुश बटन्स है वो तो आपको पता ही है यार, नज़र ही आ रहे हैं आपको, देख के पता चल गया होगा ये पुश बटन्स लगे हैं, तो ठीक है। मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ तो उसे देख के आपको यार सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या लगाना है। अब सर्किट डायग्राम देख के यार आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है भाई, ये तो हमसे नहीं होगा। तो यार डरना नहीं है, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन यार इतना मुश्किल भी नहीं है ये काम। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी तो मैंने फर्स्ट टाइम ही अल्हम्दुलिल्लाह ये बना ली थी, ठीक है। तो यार इसको आप स्टेप बाय स्टेप बनाओ तो बहुत इजीली बन जाएगी। सबसे पहले आप 555 IC के सर्किट बनाओ, मेन के 555 IC के जैसे कनेक्शन हुए हुए हैं वो आप करो और देखो कि आउटपुट के ऊपर आपका जो पल्स है वो क्रिएट हो रही है कि नहीं। तो आपकी जो जो LED लगी हुई है यार इसके आउटपुट के ऊपर 555 के, वो देखो कि चल रही है कि नहीं। अगर वो LED चल रही है, मीन के पल्स क्रिएट हो रही है, तो उसके बाद आप आगे वाला सर्किट बनाना स्टार्ट करो। एक IC का कनेक्शन करो जो ये लगे हुए 4026, फिर नेक्स्ट IC लगाओ उसके कनेक्शन करो के इसके साथ 7 सेगमेंट के थॉट के साथ। तो इस तरह मीन एक एक चीज़ को आप लगाते जाओगे और आगे की तरफ चलते जाओ तो इंशाल्लाह आपका ये इजीली बन जाएगा। यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले की जो पिन्स हैं उनके नाम सही से नहीं दिखाए गए, तो मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ वो। तो यहाँ पे आप पिन्स के नेम्स को अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप टॉप से देखें तो यार जो लेफ्ट वाली पिन है उसका नाम जी है, उससे नेक्स्ट वाले का एफ है, और फिर आगे वाले ग्राउंड पिन है और AB। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी पिन का क्या नाम है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ इसका, कि इंटरनली किस तरह से कनेक्शन होता है इनका। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम्स के अंदर के ये इंटरनली LEDs जो हैं ये किस तरह से कनेक्टेड होती हैं, और इस डायग्राम से आपको कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड का डिफरेंस भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो कॉमन कैथोड होता है उसके अंदर सब LEDs का कैथोड कॉमन होता है, और जो कॉमन एनोड होता है हमारे पास 7 सेगमेंट उसके अंदर सब LEDs का एनोड कॉमन होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।